जय जगन्नाथ। मैं सब्यसाची। प्रभु श्री जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन देखिए ये जो गुप्त श्री क्षेत्र है इसका महिमा कुछ अलग है। आज इंटरनेट का ज़माना है, कभी कोई कहीं पे भी कुछ छुप नहीं सकता, लेकिन आज के समय में भी 12th सेंचुरी का ये अनसेंट जगन्नाथ मंदिर पूरा समाज से विच्छिन्न था, किसी को पता नहीं था इस मंदिर के बारे में। सोचिए प्रभु का ये कितना बड़ा लीला है। उत्तरकाशी जो अपना मेन टाउन है, मेन सिटी, उससे सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पे इतना भव्य जगन्नाथ मंदिर, इतना सुंदर मंदिर गुप्त रूप में होना, प्रभु कुछ शायद अपने आप को छुपा के रखे थे, लेकिन पिछले साल से इस मंदिर को सबने सराहा, सबने जाना, और ख़ास करके उत्तराखंड टूरिज्म ने ऐसा स्टेप लिया कि इस मंदिर को अभी सबके सामने लाना है, हर घर में पहुंचाना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने धामी जी का और हमारे प्रिय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, और ख़ास करके उत्तराखंड टूरिज़्म का, कि इस मंदिर को अभी सबके पास पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। पिछले एक साल से मंदिर में बहुत सारे जो उन्नति का काम भी हो रहा है, जैसे कि परिक्रमा का पथ है वो बन गया है, यहाँ पे जो ऊपर से नीचे आने का रास्ता पहले नहीं था वो रास्ता भी बन रहा है, ऑलमोस्ट 50% इसका ख़त्म भी हो चुका है, बड़े बड़े दो द्वार भी बने हैं। तो आगे आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ एक साल हुआ है, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन होगी। और जैसे ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, ये दो चीज़ होती हैं जो टूरिस्ट को बहुत फैसिलिटेट करती है कोई भी टूरिज्म प्लेस में पहुंचाने के लिए। तो छोटे छोटे चीज़ों को अगर प्रभु के आशीर्वाद से सब ध्यान दे देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जहां पे कोई भक्त नहीं आता था, आज के दिन में जब हर दिन 150 भक्त आ रहे हैं, वहां पे हजारों भक्त आएंगे। और ये जगन्नाथ धाम जो है गुप्त श्री क्षेत्र के नाम से, जो अभी सारे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है धीरे धीरे, उस जगह पे भक्तों का महासागर यहाँ पे पहुँच जाएगा। जय जगन्नाथ।